आज यमकेन बागरा जो मेन एक्यूज है उनको डेथ पेनल्टी दिया है, डेथ सेंटेंस। उसका जो दो फिर दो एक्यूज था मार्बम गंभीर और सिंगटुंग योरपेन, जो वो दोनों को 20 इयर्स का रिगरस इंप्रिजनमेंट दिया है। तो मिस 20 इयर्स का वो दोनों को पनिशमेंट इंप्रिजनमेंट दिया है। इसमें जहाँ पे गर्ल्स होता है वहाँ पे वार्डन भी गर्ल्स होना होता है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि दोनों गर्ल्स बॉयज का दोनों वार्डन एक ही था। उसमें मीन्स गर्ल्स हॉस्टल में मेल वार्डन होता नहीं है असली में। तो अभी मीन्स स्कूल अथॉरिटी का भी यही होगा कि मीन्स अगर जहाँ पे गर्ल्स होता है, अगर कोई हॉस्टल हो या कोई स्कूल या रेसिडेंशियल स्कूल हो, तो वहाँ पे हॉस्टल अगर में वार्डन अगर रखता है तो वो फीमेल ही होना है गर्ल्स वाला में, और लड़का है तो लड़का ही रखना है। हमारे भारत देश के एक आदर्श वाक्यांश है, सत्यमेव जयते, यानी सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और आज सवेरे भी ये सच साबित होते हुए दिखाई दी है जी। बिल्कुल, आज न्याय की जीत हुई है। मैं बात कर रही हूँ आरोपी यमकेन बागरा की, जिन्हें भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 328 के तहत जिन्हें दोषी ठहराया गया है। आज UPI सेशन कोर्ट की तरफ से एक ऐलान किया गया जहाँ पर उन्हें फांसी की सजा दी जाने की घोषणा की गई। उनके साथ ही दो और आरोपी सेंगतुंग योरपेन और मार्बम गंभीर को भी 20 साल की जेल की सजा दी जाने की घोषणा की गई है जी। बिल्कुल, उनके अपराध के बारे में जानने के लिए, कारण जानने के लिए ये वीडियो अंत तक देखिएगा। साथ ही इस केस से जुड़े हमने एक वीडियो विस्तार में कल बताया है, उसे भी देखना न भूलिए। इस वक्त की बड़ी खबर, आज एक ऐतिहासिक फैसले में UPI सेशन कोर्ट ने एक यौन शोषण मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। 2022 से चल रहे इस मामले में एक हॉस्टल वार्डन को 21 बच्चों के साथ यौन शोषण का दोषी पाया गया है और उसे आज सवेरे ही फांसी की सजा सुनाई दी गई है अदालत की तरफ से, और उस अपराधी का नाम है यमकेन बागरा। इस मामले में दो अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें पता था कि हॉस्टल वार्डन बच्चों के साथ यौन शोषण कर रहा था, और उनके नाम है मार्बम गंभीर और सेंगतुंग योरपेन, लेकिन उन्होंने इस बात को गुप्त रखा। उन दोनों को 20 साल की जेल की सजा सुनाई दी गई है आज सवेरे, और यह फैसला बच्चों के अधिकारियों की रक्षा और समाज में यौन शोषण के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। 2022 से चल रहे इस मामले में आखिरकार आज न्याय मिला है। आज यमकेन बागरा जो मेन एक्यूज है उनको डेथ पेनल्टी दिया है, डेथ सेंटेंस। उसका जो दो फिर दो एक्यूज था मार्बम गंभीर और सिंगतुंग योरपेन, जो वो दोनों को 20 इयर्स का रिगरस इंप्रिजनमेंट दिया है। तो मिस 20 इयर्स का वो दोनों को पनिशमेंट इंप्रिजनमेंट दिया है। इसके साथ ये हमने रिसेंटली में देखा था कि आपके पास जो केस है, जो को आप लोग आगे बढ़ते हैं बार बार डेट पे डेट, बहुत सारा एक्सटेंशन भी हुआ, तो उसका कोई चैलेंजिंग आप लोग रहा या कुछ खास वजह रहा उसका? नहीं, पहले तो वही था कि वही डेट पे डेट वाला, उसमें वो था कि मीन्स जैसे कि पहले ही बताते प्रोसिक्यूशन की तरफ से तो हो गया था सब कुछ, लेकिन फिर डिफेंस काउंसिल की तरफ से ही आर्गूमेंट नहीं हो पाया है, और फिर जजमेंट में भी, क्योंकि इतना किसी को इतना लंबा वो सेंटेंस देना भी, तो डेथ सेंटेंस देना भी तो वो नहीं है, तो उसको भी द्वारा हम लोग का, और हम लोग का जज मैडम देखिए इतना मिस, ये ऐसे फर्स्ट टाइम होगा ऑल अरुणाचल में, नॉट ओनली अरुणाचल, फॉर होल इंडिया में शायद ये पोक्सो को लेके, क्योंकि अभी तक जिसको भी ये अब क्योंकि बच्चा लोग तो अलाइव है, तो जो भी किसी को पहले जैसे निर्भया केस हो गया कुछ में, उसमें डेथ सेंटेंस अगर दिया भी होने तो वो तो मर चुका, मर गया था बच्चा लोग, लेकिन इसमें तो अलाइव है। फिर भी देखो उन लोग को विद इन वन ईयर वन मंथ का अंदर में ही इतना स्पीडली हम लोग को जजमेंट मिला है ये इसमें ना, और उसमें भी फर्स्ट टाइम हो गया डेथ सेंटेंस दिया है। तो मैंने की उसको ये केस जब से खोला गया था ऑलमोस्ट ओपन केस था, सबको मालूम था, सबके सामने था, बट स्टिल जो केस इतना लंबा चला, तो जो सामने वाला का ओपोनेंट की तरफ से ऐसा क्या सबूत वगैरह या क्या एविडेंस सपोर्ट दिखा चुका होगा जिसके कारण इतना लेट लगा है उसको? तो एविडेंसेस में इतना वो ना कुछ कुछ ये एग्जिबिट नहीं हुआ करके, और पहले जैसे कि एज को लेके एज को डिस्प्यूट किया था वो लोग, क्योंकि उसको एविडेंस विटनेस नहीं बनाया जो उन लोग को एज सर्टिफिकेट देता है उनको करके, और मोबाइल फ़ोन को लेके, एक वीवो मोबाइल फ़ोन को लेके उनको ही तो डिस्प्यूट था उन लोग। सिंस मैम, जैसे कि पॉक्सो में जैसे आपने बोला ओवरऑल इंडिया में ये शायद पहला हुआ, और पेरेंट सबसे पहला ऐसा हम लोग को सुनने मिला है ये ऐसा केस जिसका वर्डिक्ट दिया गया है, तो इससे क्या हम लोग आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सरकार और भी इस टाइप का जो नए केस आएगा तो आगे जाके भी इस तरह का सजा वर्डिक्ट दिया जा सकता है? हाँ, ये एग्जाम्पल बन गया है, तो हो सकते हैं इन फ्यूचर में भी, अभी जो भी पोक्सो में जो भी, अभी तो पोक्सो केस भी मेरा ख्याल से ये आफ्टर ये होने के बाद शायद उन लोग भी थोड़ा संभल जाएगा, और ये केस फर्स्ट टाइम हो रहा है तो शायद इसको देख के
शायद नेक्स्ट टाइम भी वही होगा। और हम लोग का वही है कि इसमें कितना फैमिली का भी वो इमोशन था, क्योंकि 21 बच्चा का फैमिली है इसमें, उनको लेके और कितना भी पब्लिक का भी वही था कि मीन्स क्या हो रहा है ये केस को लेके, और मीन्स इतना केस इतना लेट हो रहा है इस टाइम में, बहुत हम लोग को भी बहुत सुनने को मिला है। और आज अच्छा हुआ कि जस्टिस मिल गया है। अभी सब लोग बोलते हैं ना जस्टिस नहीं होगा, जस्टिस नहीं होगा, तो आज जस्टिस मिल गया। देखो मेन एक्यूज को अगर वो मिल गया और डेथ सेंटेंस मिल गया, और इसमें जो को एक्यूज है वो को एक्यूज भी अगर उस समय में उन लोग अगर जो भी हो रहा है उसको अगर कंप्लेन करता अथॉरिटी को, तो आज ये लोग इसमें उन लोग कन्विक्शन नहीं होना था। इसलिए मेरा पब्लिक से भी ये एक अपील रहेगा कि अगर आप देखता है कि कोई कहीं गलत कर रहा है, आप उसको बताना है, क्योंकि आप अगर नहीं बताएगा, आप छुपाएगा, सेम आप एक्यूज का जैसे ही आपका पनिशमेंट होता है। तो इस केस में भी ऐसे ही हुआ है, जो मरबा मुहम्मदी और ये सिंतुर यौरपेन जो था वो दोनों जानता था, लेकिन जानते हुए भी उसने डिस्क्लोज नहीं किया है। तो आज उल्लू का भी 20 ईयर्स का रिग्रेस इन प्रिजनमेंट हो गया। इसमें ऐसा होता है कि जजमेंट बहुत ढूंढना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा विक्टिम भी था, तो जजमेंट और प्रेशर भी होता है, तो बहुत सारा जजमेंट देखना पड़ता है। और वही काटाकाटी करो बात में सबको जजमेंट वही बोलना पड़ता है, जजमेंट तो दिखेगा ना, इसलिए हमने क्वेश्चन को पहले पूछा, बोलते हैं अभी लाइफ में जाने से उल्टा पुल्टा हो जाना था। तो हम तो डे वन से मेरा तो वो था, हम 21 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम पीपी को असिस्ट कर रहा था, तो बहुत चैलेंजिंग हुआ है, क्योंकि जजमेंट ढूंढना और वो सब पूरा स्टडी करना, क्योंकि दूसरा पूरा काम को छोड़ के इसी में पूरा फोकस करना पड़ता है। तो एटलास से तो ख़त्म हो गया आज, तो अभी हम लोग अपना दूसरा केस में अभी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं अभी हम लोग। मैम ये तो सबसे ऐसा बड़ा केस होगा जिसमें आपने किसी का डेथ सेंटेंस तक वर्डिंग ला दिया, आने वाले वक्त में क्या लगता है इससे और खतरनाक केस आप लेगा लग रहे हैं? हाँ, अगर केस अगर इस ढंग से आएगा तो वो तो जरूर लेगा उसको, क्योंकि हम लोग तो फियरली हम लोग करता है हम लोग जो ना, तो किसी का बोलने पे किसी का दबाव में नहीं होते हैं इसमें। मैम ये फर्स्ट टाइम ऐसे भी केसेस है जहाँ पे जो मतलब जैसे कि प्रिंसिपल जो ये हेडमास्टर था उसका गुने उसका भी मतलब ये चीज में उसको बड़ी उसको ये बना दिया है क्योंकि he didn't listen to the students। तो आने वाला समय में ये भी एक एजुकेट भी कर सकते हैं लोगों को, जब व्हेन स्टूडेंट कंप्लेन स्कूल में अथॉरिटी को, तो ये आने वाला समय में भी एक मतलब एक स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट का तौर में या ऐसे लर्निंग लेसन के तौर में हो सकता है या ऐसे केस स्टडी में। हाँ हाँ वही, क्योंकि अभी मीन्स अब जैसे कि ये स्कूल में ऐसा था कि ये तो इसमें जहाँ पे गर्ल्स होता है वहाँ पे वार्डन भी गर्ल्स होना होता है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि दोनों गर्ल्स बॉयज़ का दोनों वार्डन एक ही था उसमें, मीन्स गर्ल्स हॉस्टल में मेल वार्डन होता नहीं है असली में। तो अभी मीन्स स्कूल अथॉरिटी का भी यही होगा कि मीन्स अगर जहाँ पे गर्ल्स होता है, अगर कोई हॉस्टल हो या कोई स्कूल या रेसिडेंशियल स्कूल हो, तो वहाँ पे हॉस्टल अगर में वार्डन अगर रखता है तो वो फीमेल ही होना है गर्ल्स वाला में, और लड़का है तो लड़का ही रखना है। और मीन्स आप देखने के उसको किस टाइप का अगर वार्डन भी है तो वो किस टाइप का है, और वो चेक करना है असली। और स्कूल अथॉरिटी और ये स्कूल सोसाइटी कुछ मैनेजमेंट कमिटी भी होता है, उन लोग उसको चेक करना चाहिए था असली में। तो अभी वही होगा कि अगर उन लोग ठीक से वो कर देना है, अभी चेक करना है, तो हो सकता है इन फ्यूचर में अभी ये सब इंसिडेंट ज़रा नहीं होगा। तो मेरा मैसेज ये रहेगा कि स्कूल अथॉरिटी जो भी हो, अभी स्कूल को चेक करना है कि इसका जब आप कोई टीचर को स्कूल में जब लाता है तो उस टीचर किस उसका करेक्टर कैसा है उसको चेक करना है उसका, और स्पेशली वार्डन कैसा है। और अगर स्कूल अथॉरिटी को अगर कोई बच्चा अगर कंप्लेन भी करता है तो वो कंप्लेन कमिटी होता है हर जगह में, तो वो भी कंप्लेन करना है। अदरवाइज जैसे आज हुआ है कि वो टीचर वो दोनों टीचर जो कंप्लेन नहीं किया है वो लोग भी कन्विक्ट हो गया है, तो वही होगा कि बच्चा का बात सुनना है। और जिसको भी आप स्कूल में किसी को भी ये करते एम्प्लॉय करता है तो उनको भी चेक करना है कि वो किस ढंग से है, और पेरेंट्स को भी ये बोलेगा कि अगर बच्चा अगर स्कूल जाने का मन नहीं करता है तो वो अगर पूछना है बच्चा लोग को भी, और जाके स्कूल अथॉरिटी को भी जाके पूछना है, और वो जाके स्कूल को भी कभी कभी चेक करना है कि उस स्कूल किस माहौल में हो और किस माहौल में उनका बच्चा पल रहा है, क्योंकि
पेरेंट्स लोग तो मैक्सिमम पेरेंट्स लोग तो सब वर्किंग वाला है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो चला जाएगा, लेकिन बच्चा को तो स्कूल को डिपेंड करके रखता है। लेकिन स्कूल में ही अब इस ढंग से अगर आपका बच्चा का ऊपर में टॉर्चर या कुछ कुछ होता है तो वो तो गलत है ना, वो तो फिर बच्चा तो कैसे पेरेंट्स को बताएगा। तो पेरेंट्स लोग का भी वही होता है कि फ्रेंडली नेचर बच्चा को ऊपर में रखना चाहिए, ताकि उन लोग भी कुछ भी अगर होता है तो वो इजीली अपना पेरेंट्स को बता सकने के लिए कि हमारा ऊपर में ये सब हो रहा है करके।